बजाई है, कितनी प्रेम भरी वासनी बजाई कि जितनी गोपियां उतने ही भगवान ने रूप बनाए। इधर भोले बाबा जो हते सो उन पहनाए रोजा, हाँ जो नेगू घूंघट उठाने को मन कत सोई गौरा मैया कह देती है नीचे कर लो। अगर जो कन्हैया ने कोई पहचान लिया ना तो समझ लो मेरी नाक कट जाएगी। सो भोले बाबा ने घूंघट तो नीचे करो और भोले बाबा भाई घूंघट ही में से कन्हैया की तरफ देखे और कहा बोले बारे करिया आज मुझे पता चली कि तुम्हें जे जे गुण है। और भोले बाबा चिल्ला चिल्ला करके क्या कहने लगे बात कह रही है कि बाहरी करिया मोए नहीं मालूम कि तुम्हें जे जे गुण है और ताई से गौरा में यू बड़ी सज धज के आई है। इधर तो भोले बाबा बैठे बैठे सोच रहे हैं और साथ ही साथ मेरे पास में एक रुपए का पुरस्कार आया है। भुल्लन यादव नगला गोला के रहने वाले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी इनकी हरेक इच्छा पूरी करे और भगवान सदा भंडार बने रहे। बोलिए सच्चे दरबारी की। अब इधर भगवान ने बड़ा ही सुंदर महाराज रचाया, नृत्य किया है और इधर गोपियों को घमंड पैदा हो गया। गोपी अपने में विचार करने लगी कि अब तो मैंने भगवान को अपने वश में कर लिया। याद रखना श्रोताओं, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड भगवान का भोजन है। आज जैसे ही भगवान ने देखा कि गोपियों को घमंड हुआ, आज भगवान उस महाराज में से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां सभी रोने लगी, कहने लगी कि हे श्याम कहाँ चले गए, फिर आ जाओ मेरे कन्हैया। आज गोपियां रो रो करके श्याम को बुलाने लगे हैं। जब रो रो करके बुलाने लगे, भगवान दोबारा उस महाराज में प्रकट हो जाते हैं। और इधर फिर भगवान कन्हैया ने जैसे ही प्रेम भरी वाणी